वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक नाज़रीन, फरहान अली वारिस और जुगन काज़िम की तरफ से खुश आमदीद। अगर आपने अभी अभी ट्यून इन किया है तो आप देख रहे हैं नूरे रमज़ान, और नूरे रमज़ान में हम आज आपके साथ एक अमेजिंग न्यूज़ शेयर करना चाहेंगे बिस्मिल्ला हाउसिंग डेवलपर्स से रिलेटेड। बिस्मिल्ला हाउसिंग फ़ेज़ 2 लाहौर का सबसे बड़ा LDA से मंजूर शुदा रिहायशी मंसूबा है। अब बिस्मिल्ला हाउसिंग फ़ेज़ 2 में जो है इन्होंने फिरोजपुर रोड पे एक बहुत ही आइडियल लोकेशन सेलेक्ट की है, और वहाँ पे पाकिस्तान का सबसे बड़ा डांसिंग फाउंटेन भी बनने जा रहा है। बिजली, पानी, गैस, सिक्योरिटी के साथ सारी जो आपकी बेसिक ज़िंदगी की ज़रूरियात की रिक्वायरमेंट्स हैं, बल्कि उससे ज़्यादा जो हैं आपको प्रोवाइड की जाएंगी बिस्मिल्ला हाउसिंग फ़ेज़ 2 में। आप बिस्मिल्ला हाउसिंग फ़ेज़ 2 में फौरी जो है आप कब्ज़ा ले सकते हैं, आपको फौरी जो है आपका प्लॉट मिल जाएगा। आप फाइल सिस्टम के झंझट में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फ़ेज़ 2 के अंदर 3, 5, 8, 10 मरले और 1 कनाल तक के रिहायशी और जो हैं कमर्शियल प्लॉट्स दस्तियाब हैं। सो डेफिनेटली बिस्मिल्ला डेवलपर्स के फ़ेज़ 2 जो फिरोजपुर रोड पे वाक़ है उसके अंदर इन्वेस्ट कीजिएगा। ये बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है रहने के लिए भी और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अच्छा व्यूअर्स, जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो जब हम कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, स्पेशली जब हम कोई यू नो होम अप्लायंस लेते हैं, तो बहुत सोच समझ के ये फ़ैसला लेना चाहिए। हम चिक को रेकमेंड करते हैं। चिक इज़ प्रोड्यूसेस प्रीमियम क्वालिटी स्मार्ट होम अप्लायंसेस। चिक इज़ अ पीपल ओरिएंटेड ब्रांड। चिक इज़ स्टाइलिश एंड फैशनेबल। इसके जो होम अप्लायंसेस हैं, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है, तो बहुत हाई क्वालिटी की इसके प्रोडक्ट्स हैं। लेट्स चिक, लेट्स प्लस मोर। अगर आपको याद हो तो कल चिक का एक सवाल आपसे पूछा था, और कल के चिक के सवाल के जो आज विनर हैं उनका नाम है अवैस मुमताज। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अवैस मुमताज, आप जीतेंगे चिक की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। और आज का जो चिक का सवाल है जिसका जवाब कल आप अभी से हमारे साथ शेयर करना शुरू कर दें चिक के सोशल मीडिया पे, कल मैं उनके विनर का नाम अनाउंस करूंगी। गजवाए खंदक में खंदक खोदने का मशवरा किन सहाबी ने दिया था? हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु, या फिर हजरत अली करम अल्लाह वजो। तो आपने बताना है कि सही जवाब क्या है, और जब आप सही जवाब देंगे तो आप में से एक विनर जो है लकी ड्रॉ के थ्रू सेलेक्ट होगा, और चिक के सोशल मीडिया पे आपने ये जवाब देना है। और बढ़ते हैं किचन की तरफ, जहाँ पे शेफ हुमा किरमानी फाइनली हमारे साथ हैं। बिल्कुल, किधर होती हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देज की मैं बर्फ बिल्कुल देखें, इतने ज्यादा लोग होते हैं, मेहमान होते हैं हमारे साथ अफ्तारी के वक्त, तो थोड़ा सा जो है मैंने कहा ड्रिंक थोड़ा ज्यादा बना। चूल्हे के ऊपर बर्फ रखते? नहीं, चूल्हे के ऊपर नहीं रखी मैंने, देज की के अंदर। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं हम? मैंने तोड़ने के लिए नहीं रखी। अच्छा, तो इसको हमने यूज करने हैं अपनी ड्रिंक्स के लिए। अच्छा, जब हम ड्रिंक्स की बात करते हैं तो आपको पता है रमजानुल मुबारक हो और जामे शीरी हमारे साथ हो तो क्या ही बात है। इट इज वन ऑफ वो जो था ना, इट गोज हैंड इन हैंड विद रमजानुल मुबारक। अच्छा, डालडा जिसके ऑयल के अंदर हम इस वक्त कुकिंग कर रहे हैं, डालडा कुकिंग ऑयल पर माओ का पिछले 80 साल से भरोसा है, यानी कि आपके बचपन से। बिल्कुल, इस रमजान डालडा के साथ ज्यादा बरकत और ज्यादा बचत। फॉर एग्जाम्पल, अब थोड़ा आपको डालडा का कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करने का मौका मिलता है, क्योंकि ये जो इनका आप ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि ये जो पोर करने का इनका सिलसिला है वो इतना अमेजिंग है कि सिर्फ उतना ऑयल अब पोर होता है जितना आपको चाहिए होता है। पहले ऐसे होता था, बहुत से ऐसे कुकिंग ऑयल ब्रांड्स हैं कि जब आप पोर करते हैं तो इतना ज्यादा चला जाता है कि फिर वो एक तरह से वेस्ट ही हो जाता है। सो डालडा सेहत और क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। CTA बेस्ड आप ही डालडा का इस्तेमाल करें। डालडा बनस्पति इज ऑल्सो एन अमेजिंग ब्रांड, एंड डालडा ऑलिव ऑयल, क्योंकि वो भी आप कुकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसका हाई स्मोकिंग पॉइंट है, तो आप डीप फ्राइंग के लिए भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ आज हम इस्तेमाल करेंगे ओल्पर्स क्रीम एंड ओल्पर्स मिल्क का हैप्पी सुबह 2.0। ओल्पर्स एक कंप्लीट गिफ्ट ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी कि गजाइत का तोहफा है। अ न्यूट्रिशियस स्टार्ट विद ओल्पर्स टेक्स यू थ्रू द डे। ओल्पर्स
की जो ब्रांड है, जो काउज और बफलोज इनके पास होती हैं जहाँ से इनको दूध मिलता है, उनका बहुत ख्याल रखा जाता है, उनकी न्यूट्रिशन का ख्याल रखा जाता है, यानी कि जो फिर दूध उनसे हासिल किया जाता है वो भी न्यूट्रिशन से भरपूर होता है, चाहे ओल्पस का मिल्क हो या क्रीम हो, दे आर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। अच्छा, आज का मेन्यू बता दें ताकि हम लोग फिर अपने वज़ाइफ के सेगमेंट की तरफ बढ़ें। अच्छा, आज मैं फजीता सैंडविच बना रही हूँ, जिसके लिए सबमरीन ब्रेड है, आप स्लाइस ब्रेड भी ले सकते हैं। मैं इसको काट लूँगी और उसके पीसेस बना लूँगी, उसके अंदर इसकी फिलिंग करनी है। फजीता जो है चिकन, उसकी मैरिनेशन करनी है, जिसके अंदर आपने चिकन जो है स्लाइसिस में कट ले लेना है। सिरका भी इस्तेमाल करना है और लेमन जूस भी इस्तेमाल करना है, और उसके ऊपर मैरिनेशन में ओरिगैनो होगा, नमक, गरम मिर्च जाएगी और जो है शुगर जाएगी, आपने क्रश शुगर नहीं लेनी, जो सॉलिड शुगर है उसी को इस्तेमाल करना है। और डालडा का ऑयल हमने इस्तेमाल किया, उसके अंदर इसको कुक कर लेना है। वेजिटेबल्स अपनी मर्जी की लीजिए, ऑलिव्स लीजिए, चीज लीजिए, उसको असेंबल कीजिए मजे मजे की सॉसेस के साथ और सर्व करें। और क्या बनने जा रहा है ड्रिंक में? अच्छा जी, ड्रिंक में हमारे पास दूध है इतना अच्छा और साथ में जामेश्वरी है, तो आज दूध जामेश्वरी, अमेजिंग। बिल्कुल, चले जी, तो आप अपने काम करें, हम जरा वज़ाइफ की तरफ चलते हैं।